बात के वो जरूर स्पॉट किए गए सीरवी के द्वारा, उनको खत्म किया जाएगा या फिर रिवाइव हो गया वो देखना पड़ेगा, बट हस्तर बहुत अच्छे टाइम पे उन्होंने फॉल बैक किया। बिल्कुल यहाँ पर फॉल बैक काफी अच्छा था आदित्य को, यहाँ पर रिवाइव देना पड़ेगा, बट नहीं, यहाँ पर पायल को ओपन में स्पॉट करा, सीर वी एक्चुअली मिस्ड इट। ब्लिज़र्ड था ये, वैसे उतना मुश्किल नहीं था, बट कह सकते कि वहां पर स्पीड बड़ी जबरदस्त थी, पायल के पास कवर में चले गई और वो जो छोटा सा एक पिलर का उनको सपोर्ट मिल गया ना वो काम में आ गया, हल्का सा एडीएस वहां पर डिस्टर्ब हो गया। मीनवाइल हस्तर की बात करें तो यहाँ पर ये काफी अग्रेसिव लग रहे हैं, पीछे इनके पास कवर फायर है, लाइन ऑफ फायर के लिए इनके पास पीछे बैकअप जरूर से है, बार बार कोशिश कर जरूर है बट कामयाब अभी तक हो नहीं पाए। आदित्य जहाँ पे पीछे मौजूद थे वो वहीं पे रहेंगे, बट इसी बीच मुझे लगता है स्ट्रैक्स की जो स्क्वाड है बहुत ज्यादा जल्द आएगी थर्ड पार्टी करने, और इसी के साथ थर्ड पार्टी का शिकार दोनों टीम होने वाली है। फायदा किसी को नहीं होगा, बट जब दो लोगों की फाइट होती है तो फायदा किसी तीसरे की होती है। क्या वो टीम स्नैक्स की स्क्वाड हो सकती है मायावी? बिल्कुल हो सकती है, लग तो कुछ ऐसा है। स्पॉट किया सीवी, फाइनली गॉट इट ब्लो, बट नाउ सीवी गोस डाउन, व्हाट इज हैपनिंग फर्स्ट ऑफ द टू फॉर दैट, यस इट डिड, वाश टू यू ब्यूटी, मौका यहां पर बहुत अच्छा था, फील करा हासर यहां पर फिनिश को सिक्योर कर देंगे, देयर यू गो द जर्नी फॉर टीम पायल गेमिंग फॉर दिस रॉक बैक गेम।